करो चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आई हूँ, बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तो उसके लिए हाफ एयरली का एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो उन दोनों का रिजल्ट लिया है। आर्य का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया, ठीक आया, लेकिन आर्य की इस क्लास में सभी का ऐसे ही आया है, ऐसा नहीं कि आर्य का ही आया, हाफ एयरली में सभी डिस्टर्ब हो गए। उसके बाद में तानी का रिजल्ट देखने गए, तानी का होपफुली अच्छा ही आया है। और उसके बाद ये लोग सामने ग्राउंड पे आ गए जहाँ पे खेल कूद का सामान है, झूले वगैरह हैं, तो बच्चों को मैं लेकर आई। मैंने भी इनके साथ दोनों तरफ से वही मेहनत कर रही है बेचारी। और ये देखिए आर्या की फ्रेंड तो है, नहीं है। नव्या नाम है इसका, और इसकी मम्मी मेरी फ्रेंड है, इसके पापा आर्या के पापा के फ्रेंड है, हम लोग पूरा फैमिली फ्रेंडशिप है। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ में ये छोटी सी मौज मस्ती शेयर की जाए। और ये सामने आप लोग देख रहे हैं, बीच में काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है, उसके उधर स्कूल है, स्कूल में ही आवास भी बना हुआ है, बाहर से टीचर हैं। मैंने कई बार आपको इसका ब्लॉग दिया है, एक बार फिर से बता देती हूँ, ये आर्य का स्कूल है, उसमें स्टेडियम भी है, बहुत अच्छा बैडमिंटन स्टेडियम है, अलग से बनवाया गया है ये स्कूल, लगभग अभी 1.5 से 2 साल हुआ होगा। और ये इनका स्टेज है, बीच में ये स्टेडियम है, देख लीजिए, बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम, इस पर लिखा हुआ है LFS। और ये बीच में जो नर्तकी बनी हुई है साइड में दोनों, तो ये स्टेज है, यहाँ पे इन लोग का प्रोग्राम होता है। और ये पूरा स्कूल है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। और इसमें आवास भी है, मतलब लोग रहते हैं जो टीचर वगैरह बाहर से आए हैं, विद फैमिली है कोई कोई, तो उनको रहने की व्यवस्था स्कूल के अंदर ही की गई है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ का एटमॉस्फेयर, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे बहुत शांति भी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल एरिया है। और स्कूल भी काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, बशर्ते बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, जैसे कि मेरी आर्या बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे आर्या, नव्या, तानी और भी बच्चे हैं, ये लोग जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सबको। मैं भी झूला है, बहुत शैतान है, इसको झूले से निकलने का मन नहीं कर रहा था, जैसे ही इसको झूले से नीचे उतारा तो ये रोने लग रहा था बहुत जोर से, मतलब ऐसा लग रहा था ये आज घर नहीं जाएगा, कि जो ग्रीन वाला पहना हुआ है। और आर्या तानी है यहाँ पे, आर्या तानी कुछ तो दिखा रही हैं, ठीक है, चलो 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 चलो। ये लोग मुझे अपने बास्केटबॉल के ग्राउंड पे ले जा रही थी, जो उसका स्टेडियम है पर्सनल, तो वहाँ पर मैंने कहा भाई व्यूवर्स को भी दिखाइए क्या क्या है, बताइए। तानी दौड़ते हुए जा रही है, मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। तानी बहुत ज़्यादा मस्ती में थी और हम लोग जो है प्ले मतलब जो खेलने वाला ग्राउंड था, जो झूले वगैरह थे, उससे बाहर निकल आए, यहीं पर थे हम लोग। ये देखिए अभी भी काफ़ी लोग हैं, 8:30 बजे से 11:30 बजे तक इनकी थी टीचर पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इन लोग को खेलना भी था तो उसमें टाइम लग गया, और मैंने भी खेलने दिया क्योंकि मैं रोज़ नहीं लाती, रोज़ क्या मतलब जब कभी ऐसे टीचर मीटिंग में आते हैं तभी लाती हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो बच्चों को आराम से खेल लेने देती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए आर्या कुछ बता रही है अपने स्टेडियम के बारे में। आज इसके जो है बास्केटबॉल थी नहीं, इसलिए विदाउट उसके ही एक्सप्लेन कर रही थी कि गोल करने वाला है, दो साइड बना हुआ है, किस साइड है, यहाँ पे आर्या गोल करती है कभी 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 गोल हो जाते हैं ना तुम्हारे, उसके अपोजिट साइड भी है, उधर तानी कुछ दिखा रही थी और तो आर्या को बुला रही थी उधर भी, क्यों अपोजिट साइड में भी गोल उधर भी करने वाला बना हुआ है, सेम टू सेम दो बने हुए हैं, काफी बड़ा सा ग्राउंड है, 15-20 बच्चे आराम से एक साथ खेल सकते हैं, इतना ज्यादा स्पेस है इसमें, इससे ज्यादा एक टीम में प्लेयर्स होते भी नहीं है, कोई बात नहीं, बॉल नहीं है तो आ जाओ। इसके बाद में हम लोग जा रहे थे बाहर की तरफ, अब धीरे धीरे स्कूल छोड़ना है, घर भी आना है, काफी मजा आ रहा था, लेकिन मेरा तो ऐसी जगहों से जाने का मन नहीं करता घर। और यहाँ पे कुछ हर्डल्स बने हुए हैं जिसमें आर्या इस तरह से चल रही है, बता रही थी कि इसके सर बहुत डांटते हैं जब ये लोग इसे चलते हैं, फिर भी ये लोग चलते हैं, मार भी खा जाते हैं, यही सब दिन होते हैं बचपन के जो मुझे भी बहुत याद आते हैं। किस लिए होते हैं यार, कुछ ना कुछ शैतानियाँ रही होंगी अपने स्कूल टाइम में, अपने बचपन में, मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोगों ने क्या क्या शैतानियाँ की, स्कूल में आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा शैतानी के मामले में, टीचर से कितनी डांट और मार पड़ी है, दोस्तों से कितना झगड़ा हुआ है,
और यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, जहाँ से मैं दूर से दिखा रही थी आपको स्कूल, ये स्कूल बसेस लगी हुई हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ और दूसरी जगह पे खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे लगभग 4-5 बसेस लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं। स्कूल भी अच्छा है, नामी स्कूल है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। और ये इनका स्टेज है जो मैंने आपसे दूर से दिखाया था आप लोगों को। अभी एक दो दिन पहले कुछ प्रोग्राम हुआ था तो उसी का अभी तक सामान लगा हुआ है। क्रिसमस बनाया गया था शायद काफ़ी पहले, क्योंकि अब आज से इन लोगों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं 10-12 दिन की। और ये है थोड़ा और है स्कूल, उस तरफ मैं दिखा नहीं पाई थी दूर से, तो ये आप लोग अभी देख लीजिए। आर्या जाती है तो 3rd फ्लोर पर पढ़ने जाती है, तानी का 2nd फ्लोर पर है। और यहाँ पे तानी और आर्या काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे अब, क्योंकि इन्हें लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे मस्ती करते हुए, और अब जाना है घर। तो बाहर इधर से इंट्रोड्यूस करो की तरफ हम लोग जा रहे हैं बाहर। बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है, मतलब मैं तो ये गार्डन कई बार दिखा चुकी हूँ और हर बार मेरा मन करता है आप लोग को दिखाऊँ, क्योंकि ये ही इतना खूबसूरत, काफ़ी अच्छे से केयर होती है इसकी, सब कुछ केयर पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर केयर कर रहे हैं, तो हर चीज़ आपको इतनी ही अच्छी लगेगी। और यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है बहुत ही प्यारा सा, जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। और इसके ऊपर जो है यीशु मसीह लगे हुए हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जो है यहाँ पे पूरा एरिया गार्डन फ्लावर्स से भरा हुआ है, ये ट्रीज़ हैं, इनसे ब्यूटी में 400 चांद लग जाते हैं, सिर्फ 4 नहीं 400 चांद लग जाते हैं। और यहाँ पे चर्च भी बना हुआ है, और ये सामने सियाराम लाइब्रेरी भी है, किसी को पढ़ने आना हो तो स्कूल के जस्ट सामने सियाराम लाइब्रेरी। और ये चर्च बना हुआ है, बहुत अच्छा चर्च है, इसके अंदर मैं कई बार जा चुकी हूँ, बच्चों को ले जा चुकी हूँ, प्रेयर भी कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है अंदर। कभी आप लोग इधर के आसपास हों तो ज़रूर आइए, शाम को 6 बजे से यहाँ की प्रेयर शुरू होती है। और ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है, फी काउंटर, इसके अंदर फादर का ऑफिस भी है। वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत भीड़ है और मुझे लेट हो रहा है, इसलिए मैं बस आपको रिसेप्शन एरिया दिखा देती हूँ। यहाँ पे फ़ी वगैरह कलेक्ट होती है, और भी कुछ इश्यूज़ होते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कंप्लेंट। ये काउंटर बने हुए हैं, और देखिए बच्चे और पेरेंट्स खड़े हुए हैं।